गुरु बिना ज्ञान नहीं है। जब तक गुरु की असीम कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक प्रभु के दर्शन पाना मुश्किल होगा। बल घाटी के बाल्ट में बल विकास मंच के अध्यक्ष संजय सुरेली द्वारा अपने पिता स्वर्गीय कन्हैया लाल सुरेली की पुण्यतिथि पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रद्धालुओं को रसपान करवाते हुए व्यास स्वामी रामशंकर ने ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने विश्व को धर्म का मार्ग दिखाया और उन्होंने जाति पाति को समाप्त करते हुए सर्वधर्म का प्रचार किया। सनातन धर्म कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करता, मगर धर्म के नाम पर ठगी, झूठ, फरेब और अन्य घृणित कार्य करता है, उसका विरोध करता है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भाई हरमीत सिंह बिट्टू ने बोधिक प्रदान करते हुए कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सभी धर्मों का सम्मान के साथ उल्लेख किया गया है। हमारे पुराण में गलत रास्ते से जाने से रोकते हैं तथा धर्म का मार्ग दिखाते हैं। सनातन धर्म में दया भाव, गौ सेवा, गरीब सेवा, गीता ग्रंथ का अध्ययन करना शामिल है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा करवाने के लिए कुल में एक ऐसा दीपक सात पीढ़ी के बाद जन्म लेता है जो श्रीमद् भागवत कथा को करवाता है। इस पुराण के प्रवचन व श्रवण से पितरों का उद्धार होता है तथा उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा पुराण के आयोजक भाई संजय सुरेली ने इस कथा को नया रूप देते हुए जहाँ समर सत्ता, श्रेष्ठ भारत और अन्य विषय साथ में जोड़कर एक नए समाज के निर्माण की नींव रखी है। इस अवसर पर अन्य अनेक विद्वानों ने भी संगत को बोधिक दिया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग समर सत्ता प्रमुख शक्ति सिंह, बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख दीपक शर्मा और बजरंग दल के चालीसा प्रमुख अजय शर्मा भी उपस्थित रहे। अगर हम सभी लोग समरसता का भाव रखते हुए इस प्रयास को करेंगे, अगर हम किसी को टैग कर देंगे या किसी को स्पेसिफिकली बोल देंगे कि ये तो इनका काम है, ये इनके द्वारा ही होना है, तब शायद हमें वो और कई सौ साल लग जाए उस अपने लक्ष्य को पाने में। तो जब समरसता के साथ, सामाजिक समरसता के साथ ये प्रयास करेंगे, इन प्रयासों से हम इस श्रेष्ठ भारत और एक भारत को जल्दी से इस लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। अब समरसता वाली बात में आगे, तो समरसता हमें कहाँ से मिलेगी, समरसता के बारे में हमें कौन प्रेरणा देगा, इसके बारे में ज्ञान कौन देगा, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता है तो जब जगत गुरु रविदास जी के बारे में यहाँ बात हो रही है तो उसी विषय पर फोकस रहूंगा कि उनके द्वारा इस तरह और इनके समय में, इनके समय से पहले, इनके बाद भी समाज सुधारक बहुत हुए भारत में। भारत को ये भी एक सम्मान प्राप्त है कि हमारे यहाँ इस तरह के अलग अलग पंथों में, अलग अलग धर्मों में बहुत से समाज सुधारक आए कि मन के जो विचार है वो दलित होकर आगे आए। जब हृदय परिवर्तन जब होगा तभी सामाजिक समरसता है, यही प्रयास हमारा। व्यवस्था परिवर्तित तभी होगी जब हृदय परिवर्तित हो। हृदय परिवर्तित करने के लिए ये जो अनु